दर्द दे रहा है, है? मुझे तो बहुत बेकार लग। कल तुम अपना क्रिएटिनिन चेक करा ही लो, है ना? उसको घर बुला दे कि अपन चलेंगे। ये देखो ये कैसा पैर हुआ जा रहा, आप खुद देख सकते हैं ना। राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं वो सभी आप लोग बहुत खुश रहिएगा। अच्छा, ये हमारे सुबह सुबह का ही टाइम था। सो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि कल और परसों का मेरा 2 दिन इतना ज़्यादा ख़राब गया ना, बहुत ज़्यादा ख़राब किया। और कल इनके साथ क्या, अचानक से इनको ना पूरे शरीर में, मतलब कि आधे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। आप खुद देखिएगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, और इतना ज़्यादा मुझे डर रही थी ना, क्या बताऊँ। अचानक से मैंने इनके पैर देखे, यहाँ पर मैं झाड़ू लगाई और इसको अब मैं नीचे लेटा दूंगी। जो मेरे सामने सामने का काम रहता है ना, जो भी कुछ मुझे करना है, तो मैं उसको सामने देखती रहती हूँ, अंदर से बाहर तक का पूरा दिखता है। अभी ये है कि बाहर बेड और सोफ़ा निकाला था मैंने, आप लोग को बताया था, वो भैया लोग निकाल के चले गए थे, तो साइड जहाँ तहाँ जगह बनी रख दी, क्योंकि हमें यहीं पर अब आराम कर रहे हैं, इनको आराम अंदर लेटने देते। तो मेरे कुछ बर्तन भी निकले थे, कुछ कपड़े भी थे। और यहाँ पर मैं आप लोग को ये बता दूँ, आप लोग बोलते जरूर आरती आप स्ट्रांग रहिए और कुछ मत सोचिए, बस भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा, है ना? आप बस कोशिश करिए, हिम्मत रखिए। आप एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि कहना और करना, देखिए आप मुझे अपना समझते हैं, मुझे पता है आप मुझे समझाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं शायद मुझे ये नई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैं आप अपने आप से वादा तो कर लेती हूँ कि बस मुझे सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ ठीक रखना है, पर मुझसे नहीं होता है सच में। आया आया खा गया, शेर आया आया खा गया खा गया। तुम्हारी ऐसी कैसी वाली वीडियो बनाए? नहीं जे जे इसको शेर शेर दिखाओ ना, शेर 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 दिखाओ। शेर आया 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 खा गया, खा गया शेर। ओयो पुई 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 पुई। गाइस अभी हम लोग बाहर बैठे हैं गाइस, ये जो बोकलू है जी, देखो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, ट्राइपॉड जैसे तैसे मैंने लिया तो है, ये देखो। उस दिन भी आप लोगों से बताया था जब करवा चौथ के दिन पहले लेने गई थी, पता नहीं क्या हो गया, ये मुड़ ही नहीं रहा है। इसका जो लेकर आई उस पर भी निशान होल्डर, इसलिए ना मैं 1 वीक हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, मैं ऐसे ही कहीं भी रख के और अपना वो कर रही हूँ। मुझे बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि देखिए मेरे पास 2 फ़ोन तो है नहीं, मेरे हस्बैंड का है, उसका स्क्रीन सामने का टूटा हुआ है, तो उससे अच्छी वीडियो क्लियर नहीं आती, इस फ़ोन से आती है। मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो बार बार क्या निकालना पड़ता है इसे। जब मैं उनके पास से लेने गई थी ना, तो बोल रहे थे आप मोबाइल को बार बार निकाला मत करिएगा, जिससे अगर आप ब्लॉग बनाती उसको फंसे रहने दीजिए, जब आपको एक ही 2 बार निकालो। अब देखो मैं सारे काम करती हूँ, देव मोबाइल बंद कर दो, बंद करो, वीडियो बना रही ना। जब भी कोई काम करती हूँ तो फिर 10 बार मोबाइल को फंसाओ, और उसी से फिर आप लोग के कमेंट पढ़ो, रिप्लाई करो, ये भी देखिए कि मेरा काम ही है कि, है ना? और फिर कुछ काफ़ी लोग बोलते हैं कि आरती आप रिप्लाई नहीं करती हो। एक्चुअली देखिए समय के साथ साथ हर चीज़ को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, है ना शिब्बू? शिब्बू सबसे बड़ा काम, आप लोग बोलते हैं शिव लगता है कि दीदी परेशान नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना परेशान करता है ना, बहुत आपकी बुराई कर रहे हैं। अभी किचन में हूं तो मैं लेटी हूं, वो उसको लटा दी हूं, सॉरी। आज हमारे पास क्या है कि मैंने इनके लिए सुबह दाल बनाई थी, अभी मैं जा रही हूं। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने सूखी मैगी तो बहुत खाई होगी, पर मैगी और रोटी मेरे ख्याल से बहुत कम खाई होगी, तो मेरी रोटी बन गई है, तो अभी हम जाएंगे मैगी मैगी बनाएंगे और उसमें रोटी खाएंगे। आप भी खाओगे?
एक्चुअली सब्जी थी नहीं, दाल थी, दाल मैंने इनको बना दी थी, तो अभी बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा आरती, मुझे खाने का मन नहीं है। तो फिर हम अपने और देव के लिए मैगी, और आप खाओगे देव मैगी रोटी खा लोगे ना? मैगी रोटी नहीं खाता। खाना पड़ेगा क्यों? आपको उस दिन कैसे खिलाए थे हमने देव को? एक्चुअली जब रोटी हम देते हैं ना, तो उसके अंदर मैगी की स्टफिंग भर देते, तो उसको बोल देते हैं हम कि मैगी वाला रोल, मैगी वाला रोल बनाएंगे तो खा लोगे, है ना? हाँ, फिर भी कोशिश जरूर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और मैं आप लोग को दिखाई थी कि ये मेरे हाथ में करीब 5 से 6 चोटें लग गई होंगी, और ऊपर तो आपको जला दिख ही रहा होगा। तो मुझे वैसे मैगी ऐसे पसंद नहीं है, ना ही देव को मैं देती हूँ, पर यह है कि रोटी के साथ हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और इसमें प्याज और उसकी वो मैगी नहीं खाता है देव, मतलब ऐसी सब्जी नहीं खाता है, और आलू भी नहीं थे सच में। अचानक से प्याज का रेट भी इतना हाई हो गया ना, मत पूछिए। तो आधी मैंने प्याज कट करके डाला था, आलू भी नहीं थे, वरना मैं आलू भी डालती। और इस पे मैंने क्या किया कि ज़्यादा पानी डाल दिया। ज़्यादा पानी से ये होगा जो हमारी रोटी है, आसानी से हम फूल के फुला के और फिर खा लेंगे। आप लोग उसको टेस्ट मतलब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप बताइएगा जरूर, मैगी और रोटी कौन कौन खाता है? एक्चुअली जब हमारे यहाँ सब्जी नहीं होती है या फिर जल्दी से हमें कुछ बनाना है तो हम यही कर लेते। वैसे तो मैं देव को पराठे भी सेक के दे देती, पर मेरा क्या था कि आज के दिन मेरा फास्ट था, मुझे संडे को खाना बहुत जरूरी था, इसलिए। तो यहाँ पे हमारी बन गई है रोटियाँ, और मैं इसको अब ढक दूंगी। सुबह तो हमने इस चटनी में खा ली थी, थोड़ी थोड़ी लगा के रोटी दाल के साथ, है ना? अब खा ले, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे देखो, मत करो, उसको भी खाना खाना है, कह रहा है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोग को बता दूँ, फिर उसके बाद मैं शिव को गोदी में ले लिया था, और देव को देखो मैं आसानी से खिला रही हूँ, वो खा लेता है। और यहाँ पे हम बड़ी जल्दी जल्दी खा रहे थे, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हमें भूख लगे तभी हम खाना खाते हैं। और वैसे मेरा खाना तो आप समझ लीजिए कि मेरा खाना बहुत जल्दी पच जाता है। और यहाँ पे आप मेरे मुंह के तरीके से देख सकते हैं, जो रोटियाँ थी बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई थी, उनको मैं खा ले रही थी। और यहाँ पे देव भी बहुत अच्छे, और शिव के मुंह में ना पानी आता है, तो वो चीज़ें खाने की कोशिश करता है। एक्चुअली अब वो 6 महीने का हो गया था, उसको ना खुशबू भी आती। फिर भी मैं जैसे दाल चावल बनाई, मैंने सूजी का हलवा बनाया बहुत बारीक, उसको पीस के दे देती हूँ। और यहाँ पे देव की मस्ती देख सकते हैं। अच्छा, उसका एनुअल डे हो गया, उसका व्लॉग मुझे एडिट करने का समय ही नहीं मिल रहा। कोशिश जरूर करूंगी कि जल्दी से जल्दी एडिट कर सकूं। उनके पैरों में देखिए कल से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। और जो गोखरू हो गई थी ना, सर ने तो पाउडर दिया था, सो मैंने तो यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर भी 2 हो गई हैं, ये देखो ये। और ये बहुत ज़्यादा इनका पैरों में स्वेलिंग है, अगर हम ऐसे हाथ रख रहे हैं तो गड्ढा से बन रहे हैं, ये देखो पूरे में स्वेलिंग आ गई है। अब कल वापस से ही क्रिएटिनिन चेक कराएं, ये अंदर का ये स्वेलिंग ही है पूरी, दुख भी रहा है क्या? देखो ये जो हमारे यहाँ पे दिखता है ना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये इनके घुटने ही नहीं नज़र आ रहे जी, ये देखो ये यहाँ पे भी ना बहुत स्वेलिंग है यार, ये देखो ये दर्द दे रहा है, हैं? मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, ये देखो ये स्वेलिंग ही है। कल तुम अपना क्रिएटिनिन चेक करा ही लो, है ना? उसको घर बुला दे कि अपन चलेंगे। ये देखो ये कैसा पैर हुआ जा रहा, आप खुद देख सकते हैं ना? और इसमें भी है, ये देखो इसमें भी इस साइड है, इसमें भी इस साइड है, इस साइड तो फिर भी ठीक ही है, पर दोनों में ही है, समझ रहे हो? लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है तुमको। ये देखो ये ना ही इसका घुटना दिख रहा है, ना ही इसका घुटना दिख रहा है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, ये जैसे अपना दिख रहा है ना, ये सबका दिखता है पर इनका नहीं है। आई मैं चला,
कल तुमको दिखवाना है ना। ये भी सूजा सा दिख रहा है मुझे, पंजा दुख रहा है। सूख तो गया फिर भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें भी करते जाऊंगी और नहा धो के अभी मिल रही हूँ, चाय वगैरह पी ली, गिलास भी यहीं पे रखी है। एक्चुअली बता दूं, आज है सोमवार और अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, वो भी इसलिए मिल रही हूँ ब्लॉग को अपना एंड करना था। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि वैसे भी ना मेरे हस्बैंड का मैंने आप लोगों को बताया था पैर उनका बहुत ज़्यादा सूजा, अभी भी कोई भी मैंने फिट करी डाल के पैरों में आराम करने दिया फिर भी कोई आराम नहीं था। तो अभी मैं रेडी हो गई, इनको लेकर जा रही हूँ मैं क्रिट 9 वगैरह KFT चेक कराऊंगी पूरा। तो वैसे तो मैंने जो और भी ट्रांसप्लांट वाले थे तो ऐसे आपस में कॉल करते रहते, तो मैंने उनसे पूछे तो बोल रहे थे कि शायद पानी पैरों में ना भर गया हो, एकदम क्या लेटे रहने से भी ना पैरों में पानी भर जाता है। तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही और रात में ही बात की तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, डर के मारे मुझे नींद नहीं आई सच में। अब ऐसे में आप बोलते हैं आरती आप हिम्मत रखिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अब आप बताइए खुद को संभालूं, इनको संभालूं या इन पति को संभालूं। वैसे हमारे बच्चे दोनों परेशान नहीं करते, जैसे कि भगवान को सब कुछ पता हो सच में। कि आरती तुम्हें अभी बहुत सारी प्रॉब्लमों का सलूशन निकालना है ना। और मेरे बच्चों के लिए जो ये आया था ये मैं ही लगा लेती हूँ क्रीम, तो फटाक से हम ऐसी तैसी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी मुझे कुछ दिन इसी तरह ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को बता दूं मेरा ट्राइपॉड टूट गया, पता नहीं कब लेकर आ पाती हूँ। और ऑनलाइन में देखती हूँ ना ऐसे ट्राइपॉड तो इतने महंगे आते, बहुत महंगे आते सच में, जो ऐसे लोकल मार्केट से लेकर आओ जैसे हमारा मेन मार्केट है मोबाइल शॉप का, तो वहां से लेके आओ तो बड़े ट्राइपॉड मिलेगा 150 का और ऑनलाइन देखो 300-400 का, अब डबल पैसे। इसलिए मैं सोच रही वहां चली जाऊंगी और अब देखूंगी लेकर आऊंगी। खैर अभी तो आज मेरा फास्ट है तो शाम को ही जा पाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं तैयार हो गई हूँ और बस मेरा डेली का इतना ही रहता है आज तो, वो भी जाना है इनको लेके ना कितना क्रिटनाइन चेक कराने। तो मेरा ये है कि मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा ली, ठंड का मौसम आ गया ना तो सिर्फ फटते से इस वजह से पूजा पाठ की चाय पी और फिर मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग का एंड कर दो, उसके बाद फिर जाएंगे हम। तो हम मुझे खैर डर तो बहुत लग रहा है, पर कहते हैं ना डर के आगे जीत है। आप भी बात कर लो, कोई भी आप भी बात कर लो। हेलो नानी मौसी, नानी मौसी, नाना मामा, छा भेज पे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हेलो गाइस, भैया को मम्मी स्कूल छोड़ के आ गई है। ओ हाउ बाय बाय, अरे बुरी तो हो जाओ बुरी।